नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के आर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। जबलपुर, गर्मी की शुरुआत होते ही उपनगरीय क्षेत्र राज्य के कई इलाकों में जल संकट की स्थिति निर्मित होने लगी है। जहां बजरंग नगर, मानेगांव, गंगा मैया, विश्वकर्मा मोहल्ला ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पेयजल को लेकर अक्सर रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पानी की समस्या को देखते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रांची खमरिया के ब्लॉक अध्यक्ष जगत मणि चतुर्वेदी के नेतृत्व में कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नगर निगम के संभागीय अधिकारी उमेश टोपरे के नाम ज्ञापन दिया गया, जहां कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष जगत मणि चतुर्वेदी ने संभागीय अधिकारियों को रांची के मानेगांव, गंगा मैया, बजरंग नगर, विश्वकर्मा मोहल्ला एवं रांची के इलाकों में जल संकट की भीषण समस्या से अवगत कराते हुए बताया गया है कि अभी गर्मी की शुरुआत में भी ये जल संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। आगे आने वाले समय में भीषण गर्मी के दिन आने वाले हैं, जिसके चलते इन इलाकों में पानी को लेकर हाहाकार मच जाएगी। इसलिए कांग्रेस कमेटी मांग की जा रही है कि समय रहते इस विषम समस्या का समय रहते निराकरण कर लिया जाए, जिससे आगे आने वाले समय में क्षेत्र में रहने वाली रहवासियों को जल संकट ना उत्पन्न हो। वहीं कांग्रेस नेता सोनू सुधीर दुबे ने जल संकट को लेकर कहा है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति निर्मित होना शुरू हो गई है। विगत अनेक वर्षों से राज्य के कई इलाकों में जल संकट से आमजन जूझ रहा है। वही जल संकट की समस्या से निजात दिलाने अमृत योजना के तहत करोड़ों की लागत से पानी की टंकियां इस उद्देश्य से बनाई गई थी क्षेत्र में पानी की समस्या दूर हो, लेकिन अभी तक कई इलाकों में अमृत योजना के तहत बनाए जाने वाली टंकी का पानी लोगों के नलों तक नहीं पहुंच पा रहा है। संभागीय अधिकारी उमेश टोपरे का कहना है कि सभी क्षेत्रों में लगातार अमृत योजना के तहत पानी पहुंचाया जा रहा है। वहीं जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है वहां लगातार टैंकर पहुंच रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हम लोगों ने राजीव नगर निगम जोन में राजीव में जो कई क्षेत्रों में जैसे सुदर्शन वार्ड, मानेगांव वार्ड में पानी की अभी से किल्लत लगातार लगभग 10 दिनों से समस्या पानी का चालू हो गया है। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने नगर निगम जोन में आज संभागीय अधिकारी को पानी के संबंध में जो समस्या थी उस विषय में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जो समस्या अगर अभी से सुधार नहीं हुआ तो एक आध माह बाद तो पानी का भीषण संकट चालू हो जाएगा रांची क्षेत्र में। और ये अमृत योजना के तहत जो पानी नर्मदा जल रांची में आने वाला था मुझे तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि रांची के किन घरों में अभी उसका पानी मिल पा रहा है। अभी एक साल से ये था कि नर्मदा जल का पानी मिलेगा तो इस साल की गर्मी में पानी का संकट दूर हो जाएगा, लेकिन अभी भी पानी का संकट जो है जो 10 साल पहले था आज भी वही है। मानेगांव और सुदर्शन वार्ड में पानी की भीषण समस्या है और हम तो चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों का सहयोग मिले ताकि जो पानी की समस्या उच्च अधिकारी तक इसकी खबर जा सके, क्योंकि जोन कार्यालय में तो इसकी हम लोग ज्ञापन देने के बावजूद भी यहाँ से कोई पूर्णतः अच्छी कार्रवाई हो नहीं पाती है। तो आप लोगों के माध्यम से कार्रवाई ऊपर के अधिकारियों तक अगर जाएगी तो मानेगांव और रांची क्षेत्र की जो पानी की समस्या है वो जल्द से जल्द इसका समाधान हो सके। कांग्रेस कमेटी रांची के द्वारा जल से संबंधित ज्ञापन दिया गया है। जल की समस्या है, इन्होंने शीघ्र से शीघ्र निदान करने के लिए बोला है, अतः हम प्रयास करें। कौन से क्षेत्रों में जो है महारही सुदर्शन वार्ड के बजरंग नगर वगैरह अन्य जैसे अब गढ़ीगंज एरिया है, गंगा मैया है, इसमें जल की समस्या, इसका निराकरण करने की कोशिश की जाएगी जल्दी से जी। नर्मदा लाइन का क्या अभी तक जल जो है वो पहुँचे? अभी बहुत से कुछ मकानों में शिफ्टिंग हो गई है, कुछ मकानों में शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है। जब पूरे लाइनों में शिफ्ट हो जाएगा तो पानी अच्छा मिलेगा क्षेत्र में आ रहा है अभी तो। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।